बिलिंग वेज में फैमिली के लिए भी और पेशेंट के लिए भी हर दिन स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी 100 डेज के हर दिन का प्रोग्राम अवेलेबल है। यानी आज पेशेंट के साथ क्या काम होगा, फैमिलीज के साथ क्या काम होगा, तो ये वो जो साइंटिफिक अप्रोच की आप बात कर रहे थे, तो उसी बुनियादों पर 100 दिन का एक बाकायदा हर दिन का गोल भी है और एक स्ट्रक्चर भी ये है। तो नाइडा की रिकमेंडेशन है कि कम से कम 90 दिन मरीज को इलाजगाह में रहते हुए नई जिंदगी की महारतों को सीखना होगा। पर सदाकत क्लिनिक में और विलिंग वेज में एक और अहतमाम भी है कि मरीजों के अहले खाना आके कुछ दिन के लिए कयाम रह भी कर भी सकते हैं और अपने मरीजों के साथ दिन में कई दफा मेल मुलाकात कर सकते हैं, और इलाजगाह के माहौल में तो दीवारें भी कुछ ना कुछ कहानी बता रही होती है, तो वो सकते सीखने का अमल बड़ा तेज होता है। हैं। खास तौर पर जो सदाकत क्लिनिक मरी है वहाँ बड़ा खास एहतमाम है, क्योंकि वहाँ पेशेंट चूंकि लोकल सिटी से नहीं आते, वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, जो मरी की इलाजगाह में जिंदगी की नई मंजिलों को तय करते हैं, सदाकत क्लिनिक में आके तो इलाज मुआलजा कराना पसंद करते हैं। कुछ ओवरसीज मरीज भी हैं जो मरी में आके इलाज कराना पसंद करते हैं, तो वहाँ फैमिलीज जब आती हैं तो वो कुछ दिन कयाम भी करती हैं ताकि फैमिली काउंसलिंग में कोई कमी ना रहे। तो बाकी हमारे सेंटर जो कराची इस्लामाबाद है वहाँ भी ये तमाम है, लाहौर में भी, कि अगर कोई फैमिली कुछ दिन आके कयाम करना चाहे तो उसका जो है एहतमाम है पहले से कि वो अच्छा क़याम कर सकते हैं और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है। सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज का एक अहम फीचर ये भी है कि अगर मरीजों के फैमिली मेंबर्स या अहले खाना आके क़याम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मरी में इस बात का बहुत बड़ा एहतमाम है, क्योंकि मरी में जो भी मरीज़ इलाज के लिए आते हैं वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उनके फैमिली मेंबर जब उन्हें मिलने आते हैं तो फिर वो आके तो जल्दी से नहीं लौट जाते, बल्कि 4-5 दिन या 1 हफ्ता क़याम भी करते हैं और अपनी काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। और लाहौर में, कराची में भी ये तमाम मौजूद है। कराची क्लिफ्टन में विलिंग वेज है और उसमें कुछ हिस्सा जो है इलाज का वो हॉक्स बे में होता है, जहाँ उन मरीजों को शिफ्ट किया जाता है जो इलाज के इब्तदाई मरहले तय कर चुके होते हैं, और वहाँ हॉक्स बे में जो हमारा सेंटर है वहाँ मरीजों के अहले खाना के लिए भी क़यामो तआम की सहूलतें में असर है। तो ये इस तरीके से कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो सदाकत क्लिनिक और विलिंग वेज के हवाले से हैं, उनमें से एक नुमाया सहूलत अहले खाना के क़याम की भी है, और जहाँ वो सहूलत के साथ अपने मरीज़ के साथ कुछ वक्त भी स्पेंड करते हैं, काउंसलिंग भी लेते हैं और अच्छी फीलिंग्स के साथ घरों को लौटते हैं। और इससे इलाज में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि बाज़ औक़ात फैमिली अपनी कोडिपेंडेंस की वजह से काफ़ी मुश्किल में होती है, तो कुछ दिन उनके साथ रहना, फिर ट्रेनिंग का पार्ट बन जाना काफ़ी हेल्पफुल रहता है उनके लिए। ये बिल्कुल उस बारे में कोई शुबा नहीं है कि नशे की बीमारी जिस तरह मरीज को बुरी तरह मुतासर करती है, कोडिपेंडेंस या रोगी हो जाना भी जी बहुत तकलीफ देह है, और उसके इलाज पे भी हम भरपूर तवज्जो देते हैं।